हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी होटल स्टाइल। तो चलिए, बिरयानी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे काली मिर्च, लौंग, 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, पुदीना की पत्ती, दालचीनी और तेज़पत्ती। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 बड़ी लहसुन, अदरक, अदरक देखिए मैंने कितनी ली है। उसके बाद से हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। फिर हमने लिया है यहाँ पे 4-5 बड़े चम्मच दही, कुछ भुने हुए प्याज आप देख सकते हैं, केसर। उसके बाद से हमने लिया पे गुलाब जल, केवड़ा जल जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद से हमने यहाँ पे लिया है 6 हरी मिर्च, उसको हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। उसको काटने के बाद से हमने यहाँ पे धनिया पत्ती काटी है जो हम ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे। इसको काटने के बाद से हम पुदीना पत्ती काटेंगे, पुदीना पत्ती कुछ इस तरीके से काट लेंगे। फिर हमें 2 बड़े प्याज लेने हैं और उसको भी काटने हैं, उसको भी फ्रेंड्स लंबे टुकड़ों में ही काटने हैं कुछ इस तरीके से। देखिए हमने काटा है, आप देख सकते हैं हमारा किचन बहुत ही साफ और सुथरा है, काम करने में आसानी होती है, बड़ा है। उसके बाद से हम यहाँ पे काटेंगे अदरक और लहसुन। काटने के बाद से हम इसका पेस्ट बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे काट लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दही और चिकन, चिकन हमारा 500 ग्राम है, उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। उसके बाद हम इसमें 4-5 बड़े चम्मच दही ऐड किया, उसके फिर मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से हमें थोड़ी सी हल्दी कम लगी इसमें, मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐड करने के बाद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले, मिक्स करने के बाद से इसको मैंने से थोड़ा सा चखा, इसमें कुछ हमें कम तो नहीं लग रहा। फिर मैंने इसमें हमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद से हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली, एक हरी मिर्च डाली और थोड़ा सा भुना हुआ प्याज डाला, इससे इसके टेस्ट में जो है ना बदलाव आ जाता है। फिर मैंने उसको अलग रखा, अलग रखने के बाद से मैंने चावल को धो लिया। चावल हमारा 400 ग्राम है, बासमती चावल है। चावल को पकाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पानी, पानी की मात्रा आप देख सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, तेज़पत्ती, लौंग, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इसको हम उबालेंगे, इसमें क्या होता है कि इसके सारे टेस्ट पानी में मिल जाएंगे। और हाँ, चावल को हम 80% ही पकाएंगे क्योंकि हमें इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करेंगे, इसमें दम लगाएंगे ना, उसमें भी हमारे चावल पकेंगे। उसके बाद से हम एक पैन लेंगे, पैन में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद से इसमें ऐड करेंगे हम तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च थोड़ी सी। इसको थोड़ी सी भुनने के बाद से हम इसमें हरी मिर्ची और प्याज ऐड करेंगे। हरी मिर्च प्याज ऐड करने के बाद से हम इसको थोड़ा देर भूनेंगे। थोड़ा देर भूनने के बाद से मुझे लगा कि शायद इसमें थोड़ी सी प्याज कम है, फिर हमने थोड़ा सा प्याज डाला इसमें। प्याज डालने के बाद से हम इसको भूने, भूनने के बाद से हमारा कुछ कलर इस तरीके से आ गया। फिर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद से हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला। फिर हमने इसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद से हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन डालेंगे और इसको चलाएंगे। और हाँ, इसके लिए आज हमारा मध्यम फ्लेम पे रहेगा ताकि हमारा चिकन जले ना। उसके बाद से हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद से कुछ देखेंगे आप इस तरीके से हो गया हमारा। उसके बाद से 80% पकाने के बाद से हम चावल को इसमें कोटिंग करने के लिए, कोटिंग करने हमने आँच को बंद कर दिया था और चिकन को निकाल लिया था। थोड़ी सी चिकन हमने नीचे रखी है और फिर हमने चावल लगाई है इस तरीके से। फिर हम इसमें चिकन लगाएंगे और हाँ, हमारा आँच बंद है, ध्यान रहे। चिकन लगाने के बाद से हम इसमें फिर से चावल डालेंगे। चावल हमारा 80% ही पकेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। आई थिंक हम इसमें 3-4 लेयर लगाएंगे। उसके बाद से हम इसमें भुने हुए प्याज डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे,
और केवड़ा जल डालेंगे। केवड़ा जल हम 5 बूंदे डालेंगे, गुलाब जल डालेंगे 5 बूंद, स्वीट इत्र डालेंगे। स्वीट इत्र आपको मार्केट में मिल जाएगी। स्वीट इत्र से क्या होती है कि खुशबू अच्छी आती है। ये देखिए हमने स्वीट इत्र डाला इसमें। उसके बाद से हम यहाँ पे केसर डालेंगे, केसर जो कि हमारा गर्म दूध में भिगोया था हमने। उसके बाद से इसमें दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए हमने किचन फॉइल लिया है। फिर हम गैस ऑन करेंगे और लो मीडियम पे हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। आँच हम तेज़ नहीं करेंगे वरना हमारा चिकन जल जाएगा नीचे से। उसके बाद से हम गैस बंद करेंगे। गैस बंद करने के बाद से हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद जब देख सकते हैं हमारा चिकन बिरयानी बनके तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे प्लेट में। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, खुशबू भी अच्छी आई है। स्वीट इत्र यहाँ पर डाले जाते हैं। इसके बाद से हमारा चिकन बिरयानी बनके तैयार है।